ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି। 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ 5 ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା। ସୋନପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 43.1 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ। ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଫଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 43.1 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେପରି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 42.6, ବୌଦ୍ଧରେ 42.5, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 42.2 ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ମଧ୍ୟ 42 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है, हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर हुआ है पिछले 24 घंटा में सोनपुर में 43.1 और 42 एंड अबव था टिटलागढ़, 42.6, बोध 42.5, बोलांगीर 42.2, सुंदरगढ़ भवानीपटना बहुत प्लेसेस में 42.0। बट अभी ये सब एरिया में नॉर्मली टेम्परेचर ज़्यादा रहते हैं, 42 इस रेंज में रहते हैं। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଗଜପତିର ନୂଆଗଡ଼ଠାରେ ସର୍ବାଧିକ 20.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରିରେ 17.0 ମିଲିମିଟର, କେଉଁଝରରେ 15.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। आज 30 अप्रैल पिछले 24 घंटा में साउथ इंटीरियर ओडिशा का डिस्ट्रिक्ट, साउथ कोस्टल का गजपति और नॉर्थ इंटीरियर का केंद्र डिस्ट्रिक्ट में हल्का से मध्यम बारिश थंडरस्टॉर्म का साथ हुआ है। हाईएस्ट बारिश से मिला है नुआगरा गजपति डिस्ट्रिक्ट में है 20.0 मिलीमीटर, उसके बाद पाडिया मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में है 17.0 मिलीमीटर, श्यामपाटना 15.6 मिलीमीटर, केवंझर डिस्ट्रिक्ट में है, आर उदयगिरी 14.2 मिलीमीटर गजपति डिस्ट्रिक्ट में है, कोलागढ़ 11.2 कंधावाल डिस्ट्रिक्ट में है, कोरापुट 9.4 था कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है, और कोरापुट में हमारा कुआ पत्थर भी गिरा है। आगामी 5 दिन मध्यरे राज्यर विभिन्न जिल्लारे वज्रपात सांगकु हल्का वर्षा नै आकलन करा जायछि। सेपरि 2 रु 3 दिन परे राज्यर तापमात्रा ह्रास पाइबा नै पाणिपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।